हमारा देश संविधान और कानून से चलता है और इसकी बारीकियों को समझना आसान नहीं है। कानून की पेचीदगियों के चलते देश की बड़ी अदालत को आए दिन संविधान और कानून की व्याख्या करनी पड़ती है। इन्हीं पेचीदगियों के तार को सुलझाने के लिए पेश है हमारा खास कार्यक्रम रूल ऑफ लॉ आशीष भार्गव के साथ। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। तो पिछली बार बात हुई अयोध्या फैसले के बाद काशी ज्ञानवापी विवाद की, और अब एक ऐसे बड़े विवाद की बात जो सीधे सीधे ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक बड़ा कदम उठाया। उसने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के आदेशों में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी आदेश को स्टे नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट को बताया जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। अगर याचिकाकर्ता को किसी भी आदेश से परेशानी हो तो वो कानून के मुताबिक अपील कर सकते हैं। वैसे भी इस मामले में हाई कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती नहीं दी गई है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों को लेकर फैसले को 9 जनवरी तक टाल दिया। वहीं मस्जिद कमेटी ने इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे होगा या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट जनवरी में तय करेगा। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास है, और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक बड़ा कदम भी उठाया था। 26 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की जिला जज की अदालत में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि के सारे मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया और कहा कि बेहतर होगा कि इन सारे मामलों पर हाई कोर्ट ही सुनवाई करे, और बहुत सारी याचिकाएं इस मामले में दर्ज हैं और सभी धारकों के लिए ये ज़रूरी है कि ये मामला हाई कोर्ट सुने, और जल्द निपटारा भी इस मामले में ज़रूरी है। साथ ही साथ ये सभी के बड़े हित में भी है कि इसका जल्द से जल्द फैसला आए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इन मामलों का ब्यौरा भी मांगा था, और जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बताया है कि विभिन्न स्तर पर निचली अदालत में करीब 18 मुकदमे लंबित हैं, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में सुनवाई के लिए जस्टिस मयंक कुमार जैन की एक बेंच का गठन भी कर दिया है। और अब बात एक ऐसे कानून की जिसका हवाला मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी विवाद पर भी दिया था, और अब मथुरा में भी इसी कानून का हवाला देकर याचिकाओं को खारिज करने की मांग भी हो रही है। जी हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी 1991 का उपासना स्थल अधिनियम। 1991 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पारित किया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धर्मस्थल जिस संप्रदाय के पास था वो उसी के पास रहेगा, और भविष्य में भी उसका धार्मिक चरित्र नहीं बदला जा सकेगा। साथ ही साथ उनके विवादों को कानूनी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। खास बात यह है कि 2020 तक इस कानून को किसी ने चुनौती नहीं दी, लेकिन 9 नवंबर 2019 को अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सही ठहराया, जबकि इस पर बहस तक नहीं हुई थी। इसके बाद 2020 में इस कानून को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार से उसका रुख पूछा। केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले में अपना रुख साफ नहीं किया है। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अयोध्या का फैसला आए 5 साल बीत चुके हैं। काशी मथुरा का मामला भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जाहिर है जितने मुद्दे कानूनी हैं उससे कहीं बड़े मुद्दे ये राजनीतिक हैं, और अब इन मुद्दों पर क्या नतीजा आएगा ये जानने में वक्त लगेगा। देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।